हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं जुआ जीतने के उपायों को लेकर के। बहुत ही अजीब सी स्थिति में हूँ, बताऊँ क्या बोलूँ। जुआ कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है खेलना दोस्तों, बहुत ही गलत बात है जुआ खेलना। सबसे विशेष रूप से यही हमारे समाज में माना जाता है। कई तरीके से लोग जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, कोई कोई रेस कोर्स जाते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, और वो क्या बोलते हैं ना, कशीनों में जाते हैं खेलने के लिए। बहुत तरीके से जुआ खेलते हैं। कुछ लोग इसको अपना बिजनेस ही बनाने की चेष्टा करते हैं कि ये उनका बिजनेस हो जाए। एक बार उनके पास पैसा आ जाता है तो लोग जुए को ही अपना बिजनेस समझने लगते हैं, क्योंकि इससे इनको बहुत भारी कमाई हो जाती है कई बार। लेकिन इन चीज़ों में पैसा लगाने से नुकसान होता है, और ज़्यादातर नुकसान ही होता है। और जब नुकसान होता है तो इंसान नुकसान सहने की स्थिति में नहीं होता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे काम भी होते हैं, नॉर्मल बिजनेस भी होता है, जो करने पे इंसान पैसे डूब जाने पे अपने आप को असहाय महसूस करता है। अगर आप भी इस तरह की किसी प्रॉब्लम में है जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, हम जुआ वर्ड दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट को, जहाँ आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया है, या आपको लगता है कि आपने फाटका खेल दिया है, अब इससे कैसे निकले आपको समझ नहीं आ रहा है, तो अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं परेशानी दूर करने का एक बहुत ही स्मॉल सा तरीका बता रही हूँ, वो आपको करना है। एक छोटा सा पेड़ है जो आपकी परेशानी को दूर करेगा। आपका शौक या व्यापार, आप जो भी हैं, जहाँ हैं, जैसा है, उसको आप बरकरार रख सकते हैं, और इसी काम से आप ज़्यादा पैसा कमाकर अपनी शोहरत को भी बरकरार रख सकते हैं। दोस्तों, कुछ शास्त्रों में कहा गया है, विशेष करके बाइबल में कहा गया है, कि जुआ खेलना, शर्त लगाना और लॉटरी डालने के बारे में कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन सचेत करती है कि हमें धन का लालच नहीं करना चाहिए, जल्दी धनी बनने के प्रयासों से दूर रहना चाहिए। जुआ निश्चित रूप से धन के प्रेम पर ही केंद्रित होता है, और एकदम सत्य रूप से लोगों को शीघ्र और आसान तरीके से धनी बनने का लालच देता है। जुआ खेलने में क्या बुराई है? जुआ खेलना एक थोड़ा सा कठिन टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि अगर मर्यादा में रहकर या कभी कभी कुछ खास अवसरों पे खेला जाए तो ये धन को व्यर्थ गंवाना नहीं होगा, परंतु आवश्यक रूप से बुरा है। कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे कार्यों पे धन बर्बाद करते हैं, जैसे कोई मूवीज़ पे चले गए, घूमने चले गए, महंगे महंगे होटल्स पे खाना खाना है, बहुत ज़्यादा जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेकार की इलेक्ट्रॉनिक्स, उस पे पैसा बेकार कर देते हैं, गलत जगहों पे जाके पैसे को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, काम अपने काम धंधे के धन को इस तरह गंवाना उचित नहीं होता है। और जो ठीक उसी समय सच्चाई तो ये होती है कि दूसरे चीज़ों पर जो आप धन व्यर्थ कर रहे हैं, जो जुआ खेलने को न्याय संगत नहीं ठहराता है। ये नहीं होता है कि अगर आप दूसरी चीज़ों पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उस चीज़ में आप बोल दें कि चलो मैंने तो उन चीज़ों में नहीं उड़ाया, मैं जुए में अपना पैसा डाल रहा हूँ, ये भी सही नहीं है। धन को कभी भी दोस्तों व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अधिक धन को जुए में हार जाने की अपेक्षा भगवान के कामों में लगाएं उन पैसों को, और अपने भविष्य की, जो भी अपने फ्यूचर की ज़रूरतें हैं, उनके लिए अपने पैसे को बचा कर रखें। खैर दोस्तों, हम बात करते हैं लॉटरी की, जुए की, या बिजनेस में ऐसे इन्वेस्टमेंट की जो कर चुके हैं और अब उससे बच निकलने का उपाय चाहिए। हर हफ्ते एक टिकट खरीदने के बजाय उस पैसे को बचत करें, उसको इस्तेमाल करें। और दोस्तों, अगर आपने कोई पहले लॉटरी जीत चुके हैं तो उसी पैसे से आगे टिकट खरीदें और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ना करें।
कई लोग को गलत फहमी क्या होती है कि जब हम लोग खेलते हैं लॉटरी तो जीतने की संभावना बढ़ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा टिकट लेंगे तो कोई ना कोई टिकट उठ ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब ड्रॉ निकाला जा रहा होता है तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपकी किस्मत काम आती है, और किस्मत को बलवान बनाने का तरीका आज मैं आपको बताऊँगी। कभी कभार ये तुक्का काम आता है दोस्तों लॉटरी का, इसलिए ज़्यादा लॉटरियों के चक्कर में ना पड़े। पर फिर से बता देती हूँ कि जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके या फंस चुके हैं इस चीज़ में, उनको हम बता दें कि आपको एक छोटा सा उपाय, कल भी शनिवार आ रहा है दोस्तों, नवरात्र का शनिवार है, गुप्त रूप से आपको ये उपाय करना है, गुप्त उपाय है दोस्तों। और ध्यान रखें कि जब आप ये काम करें तो कोई आपको टोके ना, इसलिए ये काम जो भी आपको करना है एकदम सुबह सुबह प्रातः काल बिना किसी को बताए गुप्त रूप से ही करना है। क्या करना है आपको, सैटरडे को लाजवंती या छुई मी नाम का एक पेड़ आता है, उसको कई लोग लज्जालू भी बोलते हैं, कोई नमस्कारी भी बोलते हैं, कोई शर्मानी भी बोलते हैं, लाजवंती बोलते हैं, अलग अलग तरीके के नाम हैं, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। यूजुअली इसके औषधीय गुण बहुत होते हैं, जिसकी जड़ से लेके बीज तक कई प्रकार के उपयोग होते हैं बीमारियों में, जैसे काले घेरे हो गए हैं, आँतों में घाव हो गए हैं, आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन है, वीकनेस है, नक्सीर है, नपुंसकता है, आपकी आँख का रोग है, डायबिटिक है, टॉन्सिल्स है, पेट में कीड़े हैं, पेट दर्द है, फोड़े फुंसी हैं, बदहजमी है, बवासीर है, डायबिटीज़ है, दोस्तों अंतहीन है छुई मुई पौधे के गुण। आप ये पौधे को आपको यूज़ करना है दोस्तों। यूजुअली छुई मुई शीतल प्रवृत्ति की होती, तीखी होती है, रक्त पित्त होती है, दस्त तथा योनि रोग नाशक भी होती है। इसको आपको यूज़ करना है, छोटा सा पौधा होता है बिल्कुल, इसको कहीं भी आप घर के आसपास खोज लें कहाँ पे ये मिल जाएगा, छूने से ये शर्मा जाती, सिकुड़ जाती अपने आप में, ये पौधे का ये गुण होता है। आपको बस ये उपाय करने के लिए आपको पौधा ज़रूर ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। पैसा आसानी से कमाना लॉटरी जीतना आसान नहीं है, इसलिए थोड़ी मेहनत इस उपाय में आपको करनी है। सबसे पहले पौधे को खोज लें और फिर उसको अभिमंत्रित कर लें, उनको आमंत्रित करें पहले दिन शनिवार यानी कल के दिन, नवरात्र से शुरू करना है आपको ये उपाय। कल आप जा करके उनको आमंत्रित करें कि मैं आऊँगा आपके पास और आपको लेकर जाऊँगा, मैं आपको सविनय और रिस्पेक्ट के साथ अपने घर पे आमंत्रित करता हूँ, मैं जुआ खेलना चाहता हूँ या मैं ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ उसमें मेरी जीत हो, मैं उसमें प्रॉफिट कमाऊँ, इसके लिए मैं आपका एक यंत्र बना के धारण करना चाहता हूँ और आपका सहयोग चाहिए, आपको मेरे घर चलना होगा मेरे साथ, मैं कल आऊँगा और आपको लेकर जाऊँगा और जुआ खेलने के लिए एक यंत्र बनाऊँगा। ऐसा आपको शनिवार के दिन उनको जाके इनवाइट करके आना है। ध्यान रखें दोस्तों संडे के दिन, फिर आपको उनको सैटरडे को आपने इनवाइट किया है, संडे के दिन आपको सुबह सुबह जाना है वापस से वहाँ पे, और इस टाइम पे जाना है दोस्तों, आपको कोई टोकने ना पाए, गुप्त रूप से ये उपाय करना है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, सब कुछ घर पे बिना किसी को बताए आपको ये उपाय करना है। सुबह सुबह जाएं वापस से जहाँ, और जिस टाइम पे प्रातः काल बोलते हैं, जैसे उस टाइम पे कोई आपको देखने ना पाए, दो अगरबत्ती और एक घी का दिया लेके जाएं, वहाँ बैठ करके 10 मिनट उनसे प्रार्थना करें, घी का दिया जला के, ज़्यादा घी ना डालें, थोड़ा घी डाल के लेके जाएं बिल्कुल, और वहाँ बैठ के 10 मिनट उनके पास आसन लगा के या ऐसे ही बैठ करके आप उनसे प्रार्थना करें कि चलिए हे छुई मुई देवता या देवी, आप हमारे साथ चलिए, हमारे घर पे चलिए, हम आपको ले जाने आए हैं, कल आपको निमंत्रण देके गए थे, मैं आपके यंत्र बना करके आपको धारण करना चाहता हूँ ताकि मेरी हर चीज़ में विजय हो। ऐसा बोल करके उस पौधे को जड़ से उखाड़ लें, जड़ से उखाड़ के वो पौधे को ले आएं, और उसके बाद आपको पीछे मुड़ के गलती से भी नहीं देखना है। ध्यान रखें अगर कोई पीछे से आपको आवाज़ लगा दे या कुछ बोल भी दे तो आपको मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना या रुकना नहीं है, चुपचाप अनदेखा और अनसुना करके भागते चले आएं और अपने घर पे आके उसको पूजा के स्थान पे रख दें।
पूजा के स्थान पे कैसे रखना है, पहले एक लाल कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर इस पौधे को आपको रख देना है। पौधे को हाथ जोड़ करके बोले कि आइए पधारिए, और फिर उनको पूरा एक ब्राह्मण की तरह, कोई देवता की तरह ट्रीट करना है आपको, और उनको फिर आपको जल से और कच्चे दूध से स्नान कराना है। उसके बाद फल फूल धूप दीप नैवेद्य यानी प्रसाद आदि से पंचोपचार आपको पूजा करनी है और लक्ष्मी माता की आरती करनी है। आरती करने के बाद जड़ का एक टुकड़ा ले लें और एक छोटे से लाल कपड़े में आप उसको बांध लें, उसके यंत्र बना लें और फिर उसको अपने हाथ में काले धागे में धारण कर लें। ध्यान रखें दोस्तों, राइट हैंड में आपको इसको धारण करना है और आप देखेंगे कि आपकी सर्वत्र विजय ही विजय होती है। दोस्तों बहुत ही अचूक उपाय बताया है मैंने आपको, ये आपको कर लेना है। और इसके अलावा एक और छोटा सा उपाय बताती हूँ, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप असहाय महसूस कर रहे हैं कोई भी कार्य जीत पाने में, सफल हो पाने में, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। इसके लिए फिर थोड़ी सी मेहनत वाला काम है, आपको कुछ सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें एक स्वर्ण आकर्षण गुटिका आती है, वो आपको लेना है, उसको आपको मंत्र से सिद्धि करनी है और प्राण प्रतिष्ठित करना है। इसके अलावा एक विद्युत माला लेनी है, उसको भी आपको मंत्र करना है उससे। इसको किसी भी शुक्रवार के दिन, नवरात्र में आज से शुरू कर सकते हैं आप, और या फिर नेक्स्ट शुक्रवार से भी कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करते समय सफ़ेद रंग के कपड़े आपको पहनने हैं और सफ़ेद ही आसन पर पहनना बैठना है। 21,000 मंत्र का जाप करना है आपको और माला सिद्ध कर लेनी है आपको माला से, और उस यंत्र को आपको सिद्ध कर लेना है, जो गुटिका है स्वर्ण आकर्षण गुटिका है उसको सिद्ध कर लेना है। मंत्र है ओम नमो वीर बेताल आकस्मिक धन देहि देहि नमः। इस मंत्र को आपको 21,000 बार जाप करना है। और उसके बाद आपको सबसे पहले कैसे करना है विधि बता दूँ। जो सामग्री है उसमें से सबसे पहले स्वर्ण आकर्षण गुटिका ले लें, फिर तेल का दीपक ले लें और उसको अपने सामने रख कर जला लें। मंत्र का जाप करें और 21 दिन तक लगातार इस मंत्र का आपको जाप करना है, तो आपकी गुटिका सिद्ध हो जाती है। सिद्ध होने के बाद इसको अपने पॉकेट में रख लें और फिर जो भी व्यवसाय आप करना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो लॉटरी हो, ज़मीन हो, जायदाद हो या कोई और हो, रेस कोर्स हो, आपको कहीं भी नुकसान नहीं होगा, आप पहले से ज़्यादा कमाएंगे और निश्चित ही आपके नुकसान की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों मैंने जो लिखा हुआ है अपने जो भी किताबों में उसके हिसाब से मैंने आज आपको उपाय बताए हैं। इसका उपयोग करने वाले को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि एक हद में रहकर ही इसका इस्तेमाल करें और किसी के नुकसान के लिए ये ना करें। हर चीज़ हद में अच्छी लगती है और इसका सीमा का ध्यान रख करके अपनी हद को पार ना करें। अगर इसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना अच्छा टाइम आने वाला है और अपार धन की आपकी प्राप्ति होगी, अपार सफलता की प्राप्ति होगी, आपके भाग्य का उदय होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी को मनाते रहिए। धन के बहुत अच्छे उपाय बताए हैं, इन्वेस्टमेंट और लॉटरी जीतने के उपाय आज मैंने आपको बताए हैं। हालांकि ये बहुत सीक्रेटिव उपाय होता है, पर आज मैंने आप सबसे शेयर किया है। दोस्तों कर लीजिए उपाय और ले आइए अपने घर में अपार धन। टेक केयर फ्रेंड्स। किसी भी कुछ भी आपको क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। अपने दोस्तों और फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें, हमें नहीं पता कब किसकी किस्मत साथ दे जाए। और दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस से आप कनेक्ट